इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस करेगा 350 सीट पार और नई सरकार का गठन होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बयान आया है त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष कुमार साहा का। यह इंडिया अलायंस में से पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने सीटों को लेकर इतना बड़ा दावा किया है। आशीष बोले कि भाजपा का 400 पार का दावा तो खोखला है, सच्चाई तो ये है कि जल्द इंडिया अलायंस 350 पार कर नई सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया अलायंस को बहुत समर्थन मिल रहा है और अब की बार पीएम मोदी तीसरी बार पीएम के रूप में नहीं लौटेंगे। साहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा झूठे वादे करके लोगों को मूर्ख बनाती आ रही है और किसी भी वादे को पूरा करने में असफल रही है, इसलिए लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार इन्हें मौका नहीं देना है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया अलायंस 350 पार जीत कर सत्ता में वापस आएगी। इसी दावे पर बीजेपी प्रवक्ता नोबेंदु भट्टाचार्य जी ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब की बार 400 पार का बीजेपी का नारा जल्द ही सच होने जा रहा है और अगर इंडिया अलायंस में से कोई भी सत्ता में आने का ख्वाब देखता है तो हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। त्रिपुरा से सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने ही अपना अपना कैंडिडेट उतारा है, जबकि दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस का हिस्सा है। त्रिपुरा में दो ही सीटें हैं जिनमें से एक पर आशीष साहा खुद मैदान में उतर रहे हैं और उनका मुकाबला है राज्य के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब से, तो वहीं दूसरी सीट से भाजपा की कृति देवी देव वर्मा से सीपीएम के राजेंद्र रियांग चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस और सीपीएम में बीते साल हुए राज्य में विधानसभा चुनावों में भी साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा था।